जिले की बदहाल विद्युत व्यवस्था को लेकर जहां लोग परेशान हैं, तो वहीं विभाग के अधिकारियों की टालमटोल रवैये से लोगों में आक्रोश फूटने लगा है। बिजली व्यवस्था खराब होने के बाद फोन लगते ही नहीं है, जिसके बाद कॉल रिसीव नहीं किया जाता है। फिर फोन उठाने के बाद उनकी बात को टालमटोल किया जाता है। जहां एक तरफ यहां बैठे विभाग के तमाम अधिकारी आम जनता को लॉलीपॉप थमा रहे हैं, तो वहीं उच्च अधिकारियों की आंखें भी बंद हैं। गलत जानकारी देकर धूल झोंका जा रहा है। सिर्फ विद्युत विभाग के द्वारा जनमास को फर्जी बिल एवं फर्जी केस में फंसाया जाता है। इसी के विरोध में आज हटा में लोगों को राहत दिलाने के लिए युवा जनमानस ने प्रदर्शन किया और ज्ञापन अनुवाई विभागीय अधिकारी से इन समस्याओं के निराकरण के लिए वार्ता की और स्पष्ट कहा कि अगर शीघ्र ही समस्या का निराकरण नहीं किया जाएगा तो हम हटा की तालाबंदी की जाएगी। हरिशंकर साहू, पार्षद मनोज साहू, पन्नालाल साहू, महेंद्र राय, चक्की संघ सहित जनमानस की गरिमा सहभागिता से उपस्थित रहे। IN7 न्यूज़ के लिए दमोह से विनोद उदयनिया की रिपोर्ट। युवा आवाज नेता हटा के भाई दीपेश पटेरा के नेतृत्व में एवं सभी चक्की चालकों के नेतृत्व में दिया गया है, जिनके विरुद्ध हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं और काफ़ी अनियमितताएं की जा रही हैं। वही अमीर लोगों के लाखों रुपए के बिल हैं, उनको वहाँ विद्युत मंडल उनके मीटर काटने नहीं जाता है और गरीब लोगों के मात्र 2-500 रुपए के बिल होने के बाद भी उनके मीटर काट देता है। इन्हीं सब अनियमितताओं के खिलाफ एक ज्ञापन SDM महोदय को दिया गया है कि इस प्रकार की जो अनियमितता चल रही हैं, इन सबसे राहत दी जाए। हमारे जो चक्की चालक संघ हैं, जिनकी बहुत कम आय है और हजारों रुपये के उनको बिल थमा दिए जाते हैं, जो वहन नहीं कर पाते हैं, इन्हीं सब समस्याओं के खिलाफ SDM महोदय